नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। वही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सोनीपत से, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। और वही सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस बैठक में एमएसपी कमेटी को टाइम बाउंड कराने की मांग भी किसान संगठन कर सकते हैं। और वहीं संसद कूच को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक जारी है और 29 नवंबर को संसद कूच के फैसला पर भी यहां पर मोहर लग सकती है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एमएसपी कमेटी को टाइम बाउंड करने की मांग भी की जा रही है लगातार किसान मोर्चा की तरफ से। तो वहीं संसद कूच को लेकर भी इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है और किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस करने के लिए भी इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। वहीं एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले, साथ ही बिजली वापस सुधार बिल 2020 पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही संसद कूच को लेकर भी बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस बैठक में किसान नेताओं द्वारा कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुद्दों पर इस बैठक में बात होगी कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है या इस आंदोलन को यहीं पर खत्म करना है। और देखने वाली बात होगी 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र भी संसद का शुरू होगा और 29 नवंबर को ही किसानों ने संसद कूच का ऐलान भी किया था कृषि कानून वापस लेने से पहले, लेकिन आज संसद कूच को लेकर भी फैसला हो सकता है कि 29 नवंबर को संसद कूच करना है या नहीं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है और इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, फैसले लिए जाएंगे कि किस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुरनाम चडूनी, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सहित तमाम बड़े किसान नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से अगली मांगे भी सरकार के द्वारा मनवानी है, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है और वही प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन पर रात पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। किसानों ने जहां पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है, वहीं फिलहाल आंदोलन वापसी का ऐलान बाकी है। किसान एमएसपी आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा, बिजली बिल के मुद्दों समेत कई मांगों पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि आखिर किसान नेता कब आंदोलन वापसी का ऐलान करते हैं। किसानों के पक्के मोर्चों पर किसानों की बैठकों का दौर भी जारी है। कल भी किसान कोर कमेटी और पंजाब के किसान नेताओं की बैठक हुई थी और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
और प्रहलाद सिंह किसान नेता जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले प्रहलाद जी मैं आपके पास आऊंगी, बैठक जारी है संयुक्त किसान मोर्चा की, कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? बैठक में हो रही है अभी, सारे हम ऑल इंडिया के किसान संगठन जो है सिंगल वोटर के ऊपर इकट्ठे हैं और जो हमारे पहले के कार्यक्रम जो बड़े हुए हैं वो कार्यक्रम वैसे के वैसे रहेंगे। अभी हमारी कुछ डिमांड थी, उनमें से एक हमारी जो मुख्य मांग थी वो प्रधानमंत्री ने देश की सरकार ने मानी है, उसका हमने स्वागत भी किया है कि चलो अच्छा हुआ देश के एक साल से ज्यादा समय से किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद इस सरकार को सद्बुद्धि आई और 3 जो कानून काले कानून है इनको वापस लेने की भी बात की है। अभी तो सिर्फ टीवी के ऊपर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, हमारे से अभी संयुक्त मोर्चे से कोई सरकार की तरफ से बातचीत का ना तो न्यूनता आया ना हमारे से अभी कोई बातचीत हुई है, और जब तक हमारे सभी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा और जो हमने कार्यक्रम रखे हैं वो सारे कार्यक्रम वैसे के वैसे जारी रहेंगे। मंत्री ने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है, तो क्या किसान नेताओं को आगे बढ़कर एक कदम अगर प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया तो किसान नेताओं को आगे बढ़ के आना नहीं चाहिए कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए? देखिए आंदोलन को अभी खत्म करने की वो नहीं है क्योंकि अभी हमारी जो मांगे थी उनमें से सिर्फ एक मांग मानी गई है और वो भी सिर्फ, लेकिन सर बात करूं आप जब भी ये आंदोलन शुरू हुआ था तब यही मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानून प्रमुख मांग थी लेकिन उसके साथ में एमएसपी खरीद गारंटी कानून है, बिजली विधेयक 2020 जो सरकार लेके आ रही है उसको लेके है, पोल्यूशन को लेके है कि पराली को लेके किसानों के करोड़ों रुपया जुर्माना 5 साल तक की सजा का ऐसा प्रावधान जो ये कर रहे हैं, और इस साल के आंदोलन के दौरान बहुत से किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, करीब 40,000 से ज्यादा हमारे ऊपर मुकदमे हो चुके हैं, तो ये सारी मांगे हैं, इन सारी मांगों को मनवाने के बाद प्रहलाद जी आप बने रहे हमारे साथ। प्रहलाद जी मैं वीरेंद्र जी के पास चलती हूँ। सर किसानों ने तो साफ कर दिया कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है कि हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, क्या किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है? कुछ चीजें प्रधानमंत्री जी ने पहले से साफ की हैं, ये कृषि कानूनों को वापस लेने की जो घोषणा हुई है उससे पहले भी लगातार आपके टेलीविजन चैनल पर भी दूसरे चैनलों पर भी हम लोग लगातार जो बात कह रहे थे वही आज भी हम लोग कह रहे हैं और वही चीजें कमोबेश सामने आ रही हैं, साफ हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को गलत नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाए थे, कृषि कानून किसानों के लिए बने थे। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा, मैं दोहराना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री सर ये चीज हमने भी सुनी लेकिन अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मुझे जोड़ा क्यों? वीरेंद्र जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात भी सुन रही हूँ, एक मिनट वीरेंद्र जी आप मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुननी नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, मेरी बात तो सुने एक बार सुनने के लिए। 22 जनवरी के बाद से बात बंद थी, फिर क्यों ये फैसला लिया गया? आप सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। 22 जनवरी के बाद 10 महीने बाद बंद रही, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए मुझे, सॉरी। अगर आप सुनना नहीं है तो बोलिए बोलिए जी बोलिए, मेरी स्वतंत्रता पर हमला नहीं करने दूंगा आपको, मैं समझ लीजिए सर, स्वतंत्रता की बात नहीं है। आप सुनिए, आप जो बात कर रहे थे मैंने उसी से क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, आपने प्रश्न पूछा उत्तर सुनिए ना, उत्तर क्यों नहीं सुनती आप? मैं उत्तर भी सुन रही हूँ, 12 दौर की वार्ता हो चुकी थी, 10 महीने से बात बंद थी, आप फिर वही रट लगाए हुए हैं। बोलिए आप बोलिए बोलिए आप, मैं जारी करूं जी बोलिए। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है किसानों के लिए कानून बनाए थे जी, देश के अधिकांश किसान वो इन कानूनों से खफा नहीं थे, किसानों का एक छोटा तबका उन कानूनों का महत्व उनकी उपयोगिता समझ नहीं पाया या उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, इसलिए हमने कानूनों को वापस लिया है। जिन कानूनों को वापस लिया है वो कानून लागू नहीं थे, अदालत पहले से उन पे रोक लगा चुकी थी, तो प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों के तबके के प्रति सदाशयता दिखाते हुए कानून वापस लिए हैं। समझ लीजिए कानून काले नहीं थे सर, 10 महीने बाद याद आया कानून वापसी का, नहीं था समझ लीजिए, 10 महीने बाद कानून वापसी का याद आई।
से स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं वीरेंद्र जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि 10 महीने बाद कानून वापसी की याद आई, इससे पहले कहाँ थी सरकार? समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि 10 महीने बाद सरकार को याद आई कि कानून वाले नहीं है। आपको आप अपने विवेक का बुद्धि का सर मैं विवेक बुद्धि सब चीजों का यूज कर रही हूँ। मैंने सिर्फ यही प्रश्न पूछा कि 22 जनवरी के बाद किसानों के साथ बात बंद थी, 22 जनवरी के बाद किसानों के साथ बंद थी बात, फिर क्यों 10 महीने बाद याद आई? क्या सुन लीजिए जी जी बोलिए सुन लीजिए, ये कानून जिस दिन बनाए थे हमें उस दिन भी पता था कि ये कानून एकदम सफेद है, किसानों के हित के हैं। अगर आपने कल प्रधानमंत्री को सुना है और नहीं सुना तो इस बुलेटिन के बाद सुन लीजिएगा। सर हमने सुना हुआ है कानूनों को, अब सुनेंगे नहीं अब फिर भी जी बोलिए आप बोलिए। कानूनों के बारे में हे देवी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो किसानों के हित में है, कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा है कि अधिकांश किसान उन कानूनों से प्रसन्न है, प्रधानमंत्री जी ने सदाशयता के साथ आंदोलन कर रहे किसानों के तबके के प्रति उदारता दिखाते हुए बड़ा मन दिखाते हुए कानून वापस लिए हैं। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी सर, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। अगर अगर किसान आंदोलन कर रहे थे कृषि कानूनों को लेकर, तो सीए को लेकर भी तो लोग आंदोलन कर रहे थे, धारा 370 को लेकर भी तो आंदोलन कर रहे थे, फिर क्यों नहीं वो बिल वापिस हुए? ये तो ये हम तय करेंगे, आप थोड़ी तय करेंगे सर। हर आंदोलनकारी सर या जो पांच राज्यों में चुनाव होने हैं या पांच राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर हार का डर सता रहा है बीजेपी को? कितना गजब का कुतर्क आप कर रही हैं? क्या किसी कानून आने के बाद कोई राज्यों में चुनाव नहीं हुए? क्या सर उपचुनाव देखे हैं हमने भी, उपचुनाव देखे हैं, बीजेपी की हार देखी हमने भी। आप भारत में रहती है ना, जब से ये कृषि कानून आए थे उसके बाद कई चुनाव हो लिए, चुनाव आगे भी होंगे, चुनाव सर क्योंकि लोकसभा का रास्ता तो यूपी से होके जाता है, आपको लोकसभा का रास्ता तो यूपी से होके जाता है ना, यूपी में हार का डर सता रहा है बीजेपी को, बढ़ा लीजिए कृपा करके, यूपी में हार का डर सता रहा है बीजेपी को, तभी कानून वापस लिए गए। समझ लीजिए इस बात को, आपको क्योंकि आंदोलन तो सीए के दौरान भी हो रहे थे, आंदोलन तो धारा 370 के दौरान भी हो रहे थे, आपको शायद इतना सा भी ध्यान नहीं। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर आपने सुना होगा वीरेंद्र जी को, वो तो कह रहे हैं ये काले कानून है ही नहीं है, बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। तनु जी वीडियो आपने भी सुनी है, जो राष्ट्र जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया जी, और आप उसको ध्यान से सुनना दोबारा, उन्होंने ये कृषि कानून नहीं कहा, उन्होंने क्रूसी बोला है। जी जी यदि मैं बिल्कुल सही कहा आपने, कृषि नहीं क्रूसी बोला है, करूसी बोला उन्होंने पहली बात, और दूसरा रास्ते बंद कर दिए। क्या क्या मूर्खतापूर्ण बात है? और सर आप वीरेंद्र जी आप दोबारा से वीडियो सुनना, वो रमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ओ वायत किस्म के बकवास आदमी, भारत में क्रू बोला जाता है, बदतमीज है, हराम सर। प्लीज भाषा का भाषा का संयम रखें यहाँ पे वीरेंद्र जी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। हाँ जी जी रमेश जी रमेश जी आप बोलिए। हाँ जी अनु जी जी, जब एक साल के बाद प्रधानमंत्री जी के विवेक बुद्धि को अब पता लगा, झटका लगा कि ये बिल हैं जो गलत हैं और किसान धरने पे से उठने वाले जी। आज भी इन्होंने यही बात बोली है कि कुछ किसान हैं, कुछ बोल रहे हैं अभी भी, जबकि वहां सारे आज भी इन्होंने अपनी वार्तालाप में सुधार नहीं किया। 5-12 दौर की मीटिंग हुई, 8 बिंदुओं पे ये पहले एग्री करके थे कि हाँ ये बिंदु गलत हैं, और जब ये बिल साबित हो गए कि ये वाकई में गलत हैं, और इनको जब ये रुझान आए अभी इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन को देख के, इसने ये इसलिए इन्होंने एक सिर्फ वोट बैंक के लिए और एक डर के मारे इन्होंने इन बिलों को वापस लिया है, किसी को ये भी नहीं पता था इनको तो कि बिल वापस होने हैं। अब ये कहते हैं कि जी कानून लागू होने के लिए। रमेश जी आप बने रहे, मैं
किसान नेता प्रहलाद जी के पास चलती हूं। सर आपने भी सुनी होगी, वीरेंद्र जी की बात भी सुनी होगी, रमेश जी की बात भी सुनी होगी, और वीरेंद्र जी ने साफ कहा कि ये कानून जो है वो दूध की तरह सफेद है, ये काले है ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो इन बीजेपी वालों का धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने कम से कम हमें किसान तो माना। जब यहाँ बोर्डरों बैठे थे, ये डिबेटों में कहा करते थे कि ये बोर्डरों पे बैठे लोग तो किसान ही नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, पता नहीं हमें क्या क्या नाम से किताब इन्होंने दिया। और आज जैसे ही ये सरकार को पता चल गया कि ये किसान आंदोलन जो है मूवमेंट बहुत बड़ी होती जा रही है और पूरे देश के अंदर जो है मूवमेंट हो गई है, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को टीवी पे आके खुद ये कहना पड़ा कि हम ये तीनों कानून जो है वो वापस लेते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि किसान जो है वो घरों को लौट जाए, किसानों की बात जो है वो मान ली गई है, तो हमें इस बात की भी हमको धन्यवाद करते हैं कि आपने कम से कम हमें किसान तो माना। पहले तो आप ये किसान मानने को भी तैयार नहीं थे। दूसरा, कानून में काला क्या है ये हमने बारह बार की जो बातचीत हुई उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर इनको बताया है और पूरा देश जान गया कि ये कानून जो है वो काले हैं, इसीलिए देश के अंदर ये आंदोलन हुआ। अगर ये कानून सफेद होते तो क्यों देश के अंदर आंदोलन होता, क्यों देश का तबका किसानों के इस आंदोलन के साथ शामिल होता, मजदूर इसमें शामिल हो गए, कर्मचारी शामिल हो गए, वकील इसके अंदर शामिल हो गए, तमाम वर्ग इस आंदोलन के अंदर। आपने देखा कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन गया था और सरकार के ऊपर ये आंदोलन बहुत बड़ा जो है वो मुसीबत बन गया है, इसलिए सरकार को दबाव में आके ये कानून वापस लेने पड़े हैं। ये तो कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने वाले कानून बनाए गए थे और जो क्षमा मांगी है देश के वासियों से। जी प्रहलाद जी बने रहे आप, वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। सुना आपने प्रहलाद जी को? मैंने बिल्कुल सुना, फिर से दोहराता हूँ। जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए फिर से दोहराया है, वही बात साफ की है कि ये किसान के हित के लिए लाए गए कानून थे। किसानों के एक छोटे तबके को हम समझा नहीं पाए इनका लाभ, और आंदोलन लंबा चल रहा था, सदाशयता दिखाते हुए उन्होंने कानूनों को वापस लेने की उद्घोषणा की है। प्रधानमंत्री के इस उदारतापूर्ण निर्णय का स्वागत लोगों को करना चाहिए। कानून काले नहीं थे, आज भी हम इस बात पर कायम हैं, ये कानून किसान के भले के लिए थे, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे सभी किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। बारंबार ये कहते हैं कि हमें खालिस्तानी कहा, हमें नक्सलवादी कहा, तो मैं फिर दोहरा दूं, बहुत ईमानदारी से तथ्यों के आधार पर कृपा करके मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिएगा। जिन्होंने दिल्ली की सरहद पर बैठकर धरने पे खालिस्तान की बात की, जिन्होंने खालिस्तान का नारा लगाया, वो खालिस्तानी ही कहलाएंगे। जिन्होंने नक्सलवादियों को जेलों में बंद नक्सलवादियों को छोड़ने के नारे सिंघू बॉर्डर पर लगाए, उन्हें नक्सलवादी ही कहा जाएगा। जिनका समर्थन टुकड़े टुकड़े गैंग करेगा उनको अलगाववादी ही कहा जाएगा। लेकिन वीरेंद्र जी एक सवाल मेरा भी है, वीरेंद्र जी सुनिए, वीरेंद्र जी किसान का लबादा ओढ़कर अगर कोई खालिस्तानी आएगा, नक्सलवादी आएगा, वीरेंद्र जी आपने खालिस्तानी आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, लेकिन आंदोलन जीवी भी तो कहा गया किसानों को, कहा था परसों भी कहा गया। वीरेंद्र जी आंदोलन जीवी भी तो कहा गया किसानों को। हाँ मैं बताता हूँ ना जी, अभी आपकी शब्दावली ठीक नहीं है, कृपा करके समझ लीजिए सर, आंदोलन जीवी भी कहा गया है। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए कि किसने कहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती। वो किसान नेता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी पता कि आंदोलन जीवी भी कहा गया है उन्हें। आप खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, आंदोलन जीवी की बात कीजिए। सारे किसान आंदोलन पर नहीं है, कुछ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वही किसान नहीं है। किसान मैं भी हूँ, मेरे पिता भी हैं, और वो 90% किसान हिंदुस्तान के जिन्होंने इन कानूनों में प्रहलाद जी वीरेंद्र जी रुकिए, मैं जवाब लेना चाहूंगी। प्रहलाद जी मैं आपके पास आती हूँ। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी भी हैं इसमें, टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, ये कुछ किसान थे यहाँ पर, कुछ किसान थे, बाकी सब
ये अब चाहे कुछ भी कहे अपनी नाक बचाने के लिए, क्योंकि ये टीवी डिबेट पे आके बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, ये कहा करते थे कि ये जो है आंदोलन जो है ये जो किसानों का नहीं है, इसमें खालिस्तानी नक्सलवादी पता नहीं क्या क्या इन्होंने ब्लेम लगाया है, और देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये तो आंदोलन जीवी है परजीवी है, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, और ये डिबेट में आके अंधभक्त है कहा करते, ये कानून तो किसी भी कीमत में वापस नहीं होंगे, ये तो होंगे नहीं। आज जब देश के प्रधानमंत्री खुद आके टीवी के ऊपर बोले तो इन सबकी बोलती बंद हो गई, उनके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए ये तिलमिलाए हुए हैं, और देश का किसान जीता, ये लोकतंत्र की जीत हुई है, और लोकतंत्र देश के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र सबसे बड़ा मजबूत है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता, लोकतंत्र को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ये जीत हुई है, ये उन लोगों की है जो 700 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए, उनकी शहादत की ये जीत हुई है, और ये किसान जब जब लड़ा, आपने देखा ये तो मोदी जी क्या चीज है, हमने वो कौम है जो अंग्रेजों को भी 9 महीने आंदोलन चलाया था चाचाजी सिंह जी ने, और अंग्रेजी हुकूमत दिया था, इतिहास है, जब जब किसान लड़ा है तब तब किसान जीता। समय की थोड़ी कमी है, समय की थोड़ी कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हरियाणा न्यूज को समय दिया, और चलिए आपको सुनाते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कह रहे हैं। और इस बात पे चर्चा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसमें 3-4 मुद्दे, जो MSP की मांग थी, केस वापसी की मांग थी, और जो शहीद हुए उनको मुआवजे की मांग थी, बिजली बिल की बात थी, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो उस पर अब हमारी अगली रणनीति क्या होगी इस पर मीटिंग हो रही है, शाम को आपको मीटिंग के बाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।